काफी सारे ने, कोई नहीं वाला लेकिन यार। कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, अल्लाह पाक जेड़ा कोई ना कोई रास्ता जेड़ा ना हाँ कड्ढेगा, जी, कोई टेंशन टेंशन जेड़ी नहीं नहीं। लेनी, इंशाल्लाह अल्लाह जेड़ा ना को बेहतरी करेगा। हाँ बाकी ये है हाँ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम, कि हाल चाल ने तमाम बहन भाइयों दी। उम्मीद करना सा ठीक हो सन, जितने भी हो खुश रहो, आबाद रहो, हमेशा हंसते वसते रहो। अलहमदुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद करना मेरे वेखन वाले चावन वाले तमाम बहन भाई बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम जी, अज दोपहर का टाइम है लेकिन सर्दी काफ़ी ज़्यादा है। उधरों उधरों आ रही तो मैं चलिया जी उधर अबू होरा को, अबू होरे पट्ठे शट्ठे वाड़ रहे हैं, तो चलिया जी मैं अबू होरा को, चलने हैं चल के अबू होरा नाल आम दुआ करके तो आने। और फिरते ने पट्ठे वाड़ रहे ने जी, पंजाब दी रौनक, सर्दी भी है मजा भी आंदा ते ठंड भी लगती, क्योंकि ना गर्मी थी अलग है मौज है, सर्दी थी अलग है। लेकिन यह है कि तकरीबन टाइम हाजिर मौके हो गया जी, 3 बज चले ने, तो सुबह का सूरज देखा तक नहीं है कई जगह ते, उम्मीद है किस जगह ते होगा, ये पता नहीं कितने हो गया क्योंकि ना थोड़ी लाइट पै रही है करके। अस्सलामु अलैकुम, सुनाओ साहब जी। तबीयत खराब है, वो पुत्र दांत पड़े हो ताऊ वास्ते। हाँ काम तो करना ही है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ना करना कहाँ। हाँ जी, क्योंकि ना अबू और की तबीयत तो पता है कि थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा ठीक नहीं है, लेकिन ना छोटे भाई की उंगली जी ना कट्टी गई है, तो इस करके उनके कोई काम नहीं होंगे एक हाथ, क्योंकि ना सज्जा हाथ होंगे जो राइट हैंड है उनके, तो वो दसरी फिर गई, वो कट्टी गई है, काम उनके को होंगे नहीं, इस करके अबू जी और कर रहे हैं कि कम शम पट्टे शट्टे जो वाड़ रहे हैं, तो कोई नहीं अल्लाह की जात खैर करेगा, कोई नहीं वक्त जरा ना एको जन ही रहा अल्लाह खैर करेगा। बोर अल्ला पाक सेहत तंदुरुस्ती दे, तो छोटे भाई जोड़ा है उनके हाथ से सट लगे ने, तो बोर को बिल्कुल काम कोई नहीं लेंगे ऐसे, कोई नहीं कोई भी करवाना, लेकिन यह है कि इंशाल्लाह जे दुकान वगैरह बोर बना के देन लगा जी है किराने वाली, भी अबू होर सपोर्ट भी करनी आ, जो तनखा आई फिर पावे समान वगैरह, तो फिर अबू होर बैठे प्रॉपर हाजिर मौके, तो उन्हें समान ही काफ़ी थोड़ा है गया, 500,000 का मस होना गया, बैकरी का 2-3 हज़ार का टोटल मिला के 5,000 का समान हैगा, तो फिर सर्कट चलता पेगा, लेकिन इंशाल्लाह जो सैलरी वगैरह आई या कोई हिसाब किताब लगा तो इंशाल्लाह फिर जाना समान वगैरह पा के अबू होर आराम सुकून उत्थे बिठावे, नाल खुद बैठांगे, क्योंकि मैं तो फिर भी इधर निकल लेना, लेकिन अबू होरी बैठे रहेंगे, फिर इंशाल्लाह दुकान का काम जबरदस्त चलेगा। तो ठीक है अबू जी, बाकी उम्मीद है कि हम धुप निकलू है, हालांकि शाम हो खलीए, 3:30 हो गए ने जी। हाँ धुंध अगली खत्म हो ही नहीं, मजीद धुंध आनी है, इस करके अबू जी और पट्ठे वाड़ रहे ने, क्योंकि छोटे भाई की तुम्हें दसा गया कि उंगली जी कट्टी हुई हैगी, उनके कोई काम नहीं होंदा, तो अबू उन्हें मजबूरी के तौर पर, हालांकि अबू और को काम जरा भी नहीं लैन दिल करता। बाकी वेखो सुबह आए नमी, अजे तक शाम हो चली है, ख़त्म नहीं हुई है, वेखो पानी पानी है टोटल, तो लेकिन कोई नहीं बाकी चलने हैं। ठीक है अबू जी, मैं थोड़े वाले मोटरसाइकिल ले जा रहा, ठीक है चाबी दे दो, मेरे जो ना मैं मंगया गवांढ़िया को दे देवे, मेरे वाले की टैंकी पार्टी पी, क्योंकि ना मेरे मोटरसाइकिल की टैंकी जी लीक हो गई है, फिर पड़ोसे को मंगया गया कि मैं इतना तीन आवागे गरमाले के टाइम वास्ते, तो फिर जो उधरों दूसरा चक्कर भी ला लिया कि मैं क्या उन्हें अबोर आना इस्तेमाल करने है, दूसरा नहीं करते जी। मैं हूँ चलिया वापस चाबी, हाँ ले लीए अबोर को, हूँ मैं चलिया करे करो अगे जाना भाई जा सुरे, उधर भी काम है, तो उस तो इलावा 2-3 होर बाजार से ही काम है, न्यू बेबी ले शॉपिंग करनी, शॉप मतलब कि सूट वगैरह लेने ने 2-1, क्योंकि किसी टाइम जरूरत पै सकती है, तो इसलिए वह भी लैके रखने, कंबल वगैरह तो कोई नहीं लैन लगे, पहले वाले इस्तेमाल कर लगे, क्योंकि बजट नहीं है इन्ना, इस हिसाब ने थोड़ी थोड़ी चीज जी जरूरत हैगी वो लैनी आ, चलने इधर जी हीरा ते बेगम आप अच्छे लगी हो। हाँ जी तो
ਕੀ ਆਂਦੀ ਅੱਲੇ ਲੈਟਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਇਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਉਲਟੀਆਂ ਕੀਤਨ ਜੀ ਜੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਪਏ ਅੱਛਾ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਚਾਈ ਬਣਾ ਜੀ ਚਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਤਬੀਅਤ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਸਰਦੀ ਆ ਜਾ ਚਲੀ ਪੀਪੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੀਪੀ ਚਲੀ ਆ ਜਾ ਚਲ ਜਾ ਚਲਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਪਿਆ ਕੀ ਕਰ ਤਬੀਅਤ ਇਹਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਲੇਕਿਨ ਦਵਾਈ ਅਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆ ਗਿਆ ਘਰੇ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਚਨ ਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਚਨ ਵਗੈਰਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿੰਨਾ ਛੱਤ ਅਤੇ ਚਿਰੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦੀ ਛੱਤ ਕਦੋਂ ਨਾ ਕੁਝ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚਲੋ ਵੇਖਣੇ ਆ ਬਾਕੀ ਕਿਚਨ ਦੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਬਾਈ ਔਰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦਾ ਕਰ ਕੁਝ ਹੁਣ ਵੇਖਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਸਤਰੀ ਬਾਈ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਦਿਲ ਲੈ ਕੇ ਹੀਰਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂ ਹੀਰਾ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੀਰਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਠੰਡ ਹੋ ਗਈ ਹੀਰਾ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਂਡਾ ਵਿਦਆਊਟ ਓਇਲ ਕਿਉਂਕਿ ਘੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੁੱਖ ਵੱਡੀ ਲੱਗੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈਗੀ ਰੋਟੀਆਂ ਰੁਟੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਵੇ 'ਤੇ ਅੱਡੂ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਘਿਓ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਘੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾਲ ਕੌਲੀ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਖੈਰ ਹੈ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਂਡੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਪੈਣ ਸਰ ਗਿਆ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਗਏ ਸੀ ਜੀ ਹੀਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਮੀਆਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਾ ਟੁੱਟੀ ਆ ਗਈ ਹੀਰਾ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਗਏ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਜੀ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਲਿਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀਰਾ ਦੀ ਜਾਂਦਾ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਈਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਬਾਕੀ ਸੇਲ ਚੁੱਕ ਕਰਦੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਾਲਨ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਚੱਲੀ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਬਸ ਸਮਸਲ ਮਸਾਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਲਨ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਲੂ ਗੋਭੀ ਜਿਹੜੀ ਪਕਾਈ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਸਮਝੋ ਕਿ ਖਰਚਾ ਸ਼ਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਰੈਸਪੀ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਕਸਰੀਅਤ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਦਾਰ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂਗੇ ਕਦੇ ਕਦਾਰ ਮੁਰਾ ਦੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਕੇ ਚਾਹ ਨਾਲ ਖਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਖਾ ਖੂ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਖਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਆ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰੋ ਮਿੱਟੀ ਉੱਧਰ ਸੱਟੀ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਾਈ ਜਹਾਜ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਨੇ ਹਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਈ ਜਹਾਜ਼ੋਰ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦਾ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਈ ਜਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਕਾਫੀ ਆਉਣਗੇ ਵੀ ਅਕਸਰ ਨਾ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਵਗ ਜਾਣਾ ਵਿਲਾਗ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਹਾਂ ਵਿਲਾਗ ਜਿਹੜੇ ਵਿਲਾਗ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿਲਾਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਬਾਈ ਜਾਨ ਹੋਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਲਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੱਢੇਗਾ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰੇਗਾ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਬਾਈ ਜਾਨ ਕੋ ਅਕਸਰ ਤੇ ਨਾ ਅਬੂ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਬੂ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਤੇ ਬਾਈ ਜਾਨ ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਅਬੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਦਿਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੈਗੀ ਫਿਰ ਅਬੂ ਹੋਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਮੁਰਝਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਸ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਖਾਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬੇਗਮ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਯਕੀਨ ਮਾਨ ਜੋ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ
कोई बात नहीं, अल्लाह पाक जिन्हें करम मैं दुआवा ही जेडियां ने इस टाइम दी बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह जिन्हें अल्लाह पाक जिन्हें जरूर करम करे कोई कोई रास्ता जेड़ा जरूर निकल आवेगा। बस परेशान और मैं तेनु परेशान देख के आप जेड़ा खुद ज्यादा नहीं परेशान कोई नहीं वक्त ही ऐसा आ गया की करिएगा क्योंकि ना रात दे समरे जेड़ा ना तू आया भी लेकिन जेड़ा पर कोई नहीं अल्लाह पाक खैर कोई नहीं आएगा लेकिन ऐसा जन नहीं नहीं कोई नहीं हां वो तू आएगा ना सर्दियां तुम पता कोई काम ही कोई नहीं हालात सिचुएशन ये कुछ इस तरह इसका कारोबार फिर अगर आप समझ सकना चलो कोई नहीं आएगा पर खैर चलने इंशाल्लाह फिर घरे पहुंच के मुलाकात होगी। ओके भाई जा साहब ठीक है सर बहुत मेहरबानी शुक्रिया। ओके मियां आ ते घरे आ गए सी वापस ते हम जेड़ा ना बोरे मोटरसाइकिल शायद देना जाना हैगा ते की करिए कोई नहीं रब दी जात खैर करे क्योंकि ना भाई जहाज ले गए सी क्योंकि ना उन्होंने मैं कैसे थोड़े बहुत पैसे उन्होंने दसिया वैसे कि मैंने उसे क्या शायद सैलरी भी आ गई होगी लेकिन उन्होंने सैलरी वगैरह भी कोई नहीं आया क्योंकि ना भाई जहाज है उन्होंने भी ना औखे सौखे टाइम काम या गलबात मतलब जो भी हो ना लेन देन कर ले दिया है कि वो मेरे औखे टाइम काम आ जाते हैं मैं उन्होंने एक दूजे न मतलब कि एक जिम्मे होंगे ना औखे टाइम दरवाजा एक होंगे है कि सा अलहमदुल्ला उनके को गया लेकिन एक वो तो खुद हालात उदा दे आएंगे क्योंकि अबू न मजीद मैं अगर कह तो कर लेंगे लेकिन अबू की आस उम्मीद मेरे तो है कि बिना चलो घर का सर्कट चलाया होगा इस करके मैं अबू न फील ही नहीं हो दिता कि अगर निके भरा है पहले तो मैं किसी आखदा गया कि भी इन्हें करो हूँ निका जहा बिलाल हैगा वह मेहनत मजदूरी कर रहा जी तो जरा छोटा उमर है वह अबू की जगह काम कर रहा अबू जी जिन्ना हो सके आराम क्योंकि अबू और उंगली कट्टी गई है अबू सॉरी अबू कह रहे हैं भाई की उंगली कट्टी गई इसलिए अबू और काम कर रहे हैं अज तो इस करके बस जिन्ना एक मेरे को हो सकता है मैं दुकान जेड़े गए हूँ समान अज भी पाया है दुकान है जिन्ना खा गया मेरे को टोटल सुबह फस्ट टाइम लैके दुकान है मैं पा दिता है मैं डेढ़ चार आने आ जाने फिर हीरा की दवाई वगैरह लैके आए इस तरह छोटे छोटे करके घर के खर्चे काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं तो है कि अबू सिर्फ यही होएगा कि अबू अगर इन चीज़ों का पता लगे कि बिना कोई शायद को नहीं हैगी भी इस किस्म सिस्टम अबू ने कहें कि पैसे कोई दू लैन देने को तो फिर अबू होर ने ना दिल छड़ जाना है क्योंकि पहले उन्हें तबीयत नहीं टेक इस करके अबू होर मैं ये चीज़ नहीं दसता तो इसलिए भाई जहाज उन्होंने हूँ यह हैगा कि बनेगा हम टेंशन हैगी लेकिन कोई नहीं रब की जात हैगी रब तो उम्मीद है इंशाल्लाह रब खैर करेगा क्योंकि ना ऑलरेडी मैं एक तो सोचा है प्राइवेट तो नहीं कराना सरकारी कराना है बेगम का केस तो दूसरी गल ये मेन हैगी सरकारी विच भी अच्छे खासे पैसे लग जाते क्योंकि पिछली बारी सरकारी ही कराया सी लेकिन अच्छे खासे पैसे लग जाते हैं इस करके क्योंकि ना लास्ट वीक हैगा तो शायद अजकल दो तीन दिन चार दिन है लेकिन कोई नहीं अल्लाह ताला की जात खैर करेगा कोई नहीं परेशानी रब बेहतर करेगा बस टेंशन तो बनी हुई है बस कोई नहीं हम व्लॉग करने इतने खत्म मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छे व्लॉग अपना ख्याल रखा जे दुआवें याद रखा जे अल्लाह हाफिज़।